हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आप सभी का अपने ब्यूटीफुल सा चैनल द फिजिक्स चस्का में स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल को आपस में रख दिया जाए कुछ डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में एक फोर्स फील होता है, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो। लेकिन ये फोर्स कितना होता है ये अभी तक हमने नहीं जाना, तो आज हम एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कूलम्स लॉ। और कूलम हमें ये बताते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना होगा। तो कूलम साहब ने ये कंसेप्ट कैसे दिया? तो कूलम साहब ने जो कंसेप्ट दिया है वो कहीं ना कहीं न्यूटन साहब का जो ग्रेविटेशनल लॉ था उसे बेस मान कर दिया है। जैसे न्यूटन साहब ने बताया कि भाई जो मास वाली बॉडीज होती है उनके बीच में एक फोर्स काम करता है और वो उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास जो कि एक मैटर की प्रॉपर्टी है, तो चार्ज भी मैटर की प्रॉपर्टी है। यानी कि कूलम ने सोचा कि अगर मास के लिए कूलम साहब एक लॉ दे सकते हैं तो हम चार्ज के लिए भी दे सकते हैं, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स हम निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कंसेप्ट है? उन्होंने देखा कि सपोज हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, कौन कौन सा, Q1 और दूसरा है Q2, जो कि r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ठीक है, इतने डिस्टेंस पर हमने उनको रख दिया। अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होगा भाई? इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो उन्होंने बोला कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स FE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का। जैसे कि न्यूटन साहब ने यहां पर बता दिया था कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट का होता था। तो यहां अगर मास है तो यहां चार्ज हो जाएंगे, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा कंसेप्ट ये दिया कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने से इनके बीच का फोर्स इफेक्टेड होता है, और ये वैसा ही होता है जैसे कूलम साहब ने दो मास वाली बॉडी के लिए कहा था, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी कि ये भी किसको फॉलो करेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी कि FE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि FE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यानी कि आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दोनों को आप मर्ज कर दीजिए, यानी कि उन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, FE इज प्रोपोर्शनेट टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हुआ एक फाइनल इक्वेशन कंबाइन करने के बाद में। अच्छा, इसके बाद जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट लगता है C, और ये बाकी का वैसा है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर देते हैं 3। अच्छा, इसमें यहां पर एक कांस्टेंट आया, ये कांस्टेंट क्या होता है वो देख लीजिए, वेयर वेयर सी इज अ कूलम कांस्टेंट। क्या नाम देंगे हम इसको, कूलम कांस्टेंट। देखो अब ये कूलम कांस्टेंट क्या है, जैसा कि दो मास वाली बॉडी के बीच में भी एक कांस्टेंट आया था जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता था ये मीडियम से इसको कोई लेना देना नहीं होता था, यानी कि मीडियम कुछ भी चेंज करते रहिए दो मास वाली बॉडी के बीच में फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना था न्यूटन साहब का। जबकि कूलम के अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी कि यहां पर एक जो कांस्टेंट आता है, क्योंकि दो चार्ज बॉडी के लिए भी एक कांस्टेंट आया, मास वाली के लिए भी एक कांस्टेंट आया था, लेकिन ये कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था। लेकिन सी जो होता है ये डिपेंड करता है, सी डिपेंड्स ऑन द मीडियम, यानी कि सी मीडियम पर डिपेंड करता है, सी की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है। अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच का मीडियम आप चेंज करेंगे तो उनके बीच में फोर्स बदल जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशनल में ऐसा नहीं होता था। तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें, इस केस में थोड़ा सा देखना क्या होता है कि सी यानी कि कूलम कांस्टेंट अगर मीडियम पर डिपेंड कर रहा है तो भाई मीडियम में ऐसा कौन मेंबर है जो उन दोनों के बीच का फोर्स कम कर सकता है या बढ़ा सकता है? तो वो जो चीज़ होती है वो है परमिटिविटी। देखो ये वो मेंबर है उस मीडियम का जिसकी वजह से
दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स कम या ज़्यादा हो सकता है। अब परमिटिविटी को हमको समझना पड़ेगा। परमिटिविटी बेसिकली क्या है? ये वो मेंबर होता है किसी मीडियम का जिसके कम या ज़्यादा हो जाने से उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स इफेक्ट होता है। तो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है। क्या लिखा है? इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम, यानी कि मीडियम की कोई एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक विच कैन इफेक्ट द फोर्स, जो कि फोर्स को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, किनके बीच में? बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2। यानी कि यहाँ पर एक वर्ड जो आ रहा है दैट इज परमिटिविटी, इसको मैं रिलेट करूँगा परमिशन से। यानी कि एक चार्ज अगर दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है तो वो मीडियम से परमिशन लेकर ही लगा पाएगा, इसीलिए वर्ड आता है परमिशन यानी परमिटिविटी। तो देखो आपको मैं इमेजिन कराता हूँ, जैसे एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाना चाहता है। अब सोचो ये फोर्स लगाता है विदाउट कॉन्टैक्ट, लेकिन यहाँ से कुछ तो ऐसा जाता होगा ना जो उसको धक्का लगाता या खींचता है। तो हमें ना इसको एक ऐसा इमेजिनेशन करते हैं जैसे स्पाइडर होता है। स्पाइडर क्या करता है, अपने जाले छोड़ता है, इस तरह से स्ट्रिंग्स छोड़ता है, तो स्ट्रिंग छोड़ के वो चीज़ों पे फोर्स लगाता है। सिमिलरली चार्ज को भी हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये भी एक स्ट्रिंग छोड़ता होगा। तो सोचो एक स्ट्रिंग यानी कि 1 न्यूटन फोर्स, तो ये 100 स्ट्रिंग छोड़ता है इस तक आने के लिए, वो फोर्स लगाने के लिए। तो ये यहाँ से 100 तो छोड़ेगा, लेकिन बीच में मीडियम कितनी को अलाउ करेगा वो डिपेंड करता है परमिटिविटी पर। तो सोचो एक चार्ज ने इधर से 100 स्ट्रिंग छोड़ी, मीडियम हमने एयर और वैक्यूम ले लिया, तो हमारे पास मीडियम बीच में कौन है? वैक्यूम। तो यहाँ से इसने 100 छोड़ी, तो 100 में से ध्यान देना 100 में से इसके पास पहुँचती है 99, तो एक कहाँ गई? एक किसने गायब की? एक उस मीडियम ने गायब की। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मीडियम ने 100 में से 99 को अलाउ किया है, एक को ब्लॉक कर दिया। तो उस मीडियम की परमिटिविटी क्या हुई? तो क्या 99 उसकी परमिटिविटी हुई या 1? तो आपका आंसर होगा कि जितनी लाइंस को कोई मीडियम ब्लॉक करता है वो उस मीडियम की परमिटिविटी होती है, यानी कि वैक्यूम के लिए परमिटिविटी हो गई 1, है ना। अब हमने उन्हीं चार्जेस को एक दूसरे मीडियम में ले जाके रखा, जैसे वाटर। तो मैंने जैसे ही मैंने उनको वाटर में रखा तो यहां से 100 स्ट्रिंग गई इस दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने के लिए, लेकिन हमने देखा कि यहां पे 20 ही पहुंच रही है। कितनी गायब कर दी? 80 किसने गायब की? तो मीडियम ने, यानी कि मीडियम ने खाली 20 लाइन को परमिशन दी है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वहां पर। तो जितनी को ब्लॉक किया यानी कि 80 को ब्लॉक किया है, तो 80 उस मीडियम की एक परमिटिविटी होगी बेटा। तो जितनी लाइंस को ब्लॉक करता है कोई मीडियम, यानी कि परमिशन, जितनी को परमिशन देता है और जितनी को ब्लॉक करता है, ब्लॉक वाली चीजें जो होती है वो परमिटिविटी होती है। तो देखो पहले वाले केस में 99 न्यूटन का फोर्स लग रहा था क्योंकि 99 लाइंस पहुंची। दूसरे वाले मीडियम जो कि वाटर था उसमें केवल और केवल 20 लाइनें पहुंची, 80 को ब्लॉक कर दिया, यानी कि जैसे मीडियम बदला फोर्स कम हो गया, लेकिन 80 जो कि बड़ा है, यानी कि 80 यानी कि परमिटिविटी वाटर की ज़्यादा है, लेकिन फोर्स 20 ही रहा। जबकि पहले वाले केस में हमने देखा था कि वैक्यूम के लिए परमिटिविटी 1 थी लेकिन फोर्स 99 था। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन आ रहा है? इनवर्स रिलेशन आ रहा है, यानी कि जब परमिटिविटी बढ़ती है तो फोर्स कम हो जाता है। जैसे कि पहले वाले केस में परमिटिविटी 1 थी, बहुत कम थी, फोर्स 99 था। दूसरे वाले केस में हमने लिया कि 80 है परमिटिविटी लेकिन फोर्स 20 आ गया, मतलब जैसे ही वो बड़ा 1 से 80 हुआ परमिटिविटी दूसरे मीडियम का, वो सीधा फोर्स 99 से कहां आ गया? 20 न्यूटन पर। यानी कि इन दोनों में कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको क्या करना है, अभी जैसे हमने बताया कि जो कूलम कांस्टेंट होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, यानी मीडियम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पर? तो परमिटिविटी पर। तो इस परमिटिविटी को हम कूलम कांस्टेंट के साथ कैसे रिलेट करेंगे, चलिए देखना। हम यहां पर कूलम कांस्टेंट को परमिटिविटी के साथ रिलेट करेंगे और वो कूलम कांस्टेंट फिर उनके बीच के फोर्स को भी रिलेट करेगा, ठीक है। ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, चलिए वेरी गुड। अब ध्यान देना यहाँ पर, एज अभी जैसे हमने बताया कि जो परमिटिविटी होती है वो किसी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है और वो कूलम कांस्टेंट को रिलेट करती है, यानी कि कूलम कांस्टेंट जो होता है वो इसके साथ इसका जो रिलेशन होगा वो ऐसा होगा 1/ε,
एप्सिलॉन क्या है, थोड़ा सा मैं बताना भूल गया, यहां पर देखना कि परमिटिविटी जो होती है रिप्रेजेंट की जाती, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक सिंबल होता है, ये वाला, ये है ना, तो इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि कूलम कांस्टेंट के साथ एप्सिलॉन का रिलेशन देख लो, इनवर्सली रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और कंसेप्ट देखना, जैसे कि ये जो चार्ज है ये 100 लाइंस छोड़ता है, 100 स्ट्रिंग छोड़ता है, तो सोचना यहां से इसमें से 100 लाइंस किधर किधर निकल रही है, ऊपर नीचे आपकी तरफ इधर मेरी तरफ इस तरफ इस तरफ सब जगह निकल रही है। तो ये लाइनें इस मीडियम को जो हमारे आसपास है कितने एंगल पर कांटेक्ट करता है, कितने एंगल पर उसमें से लिंक होके निकलता है, तो उसके आसपास का सराउंडिंग जो मीडियम है वो एंगल होगा 4π। यानी कि सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो, यहाँ से एक लाइट अगर ऐसा निकलता है तो वो चारों तरफ अगर फैलेगा तो चारों तरफ का मीडियम यानी चारों तरफ का एंगल कितना होगा, 4π। तो ये 100 लाइनें 4π निकालता है, यानी कि 4π एंगल में से ये 100 लाइनें निकलती है, या यूं कहूं कि टोटल फोर्स कितना निकल रहा है इसके अंदर से, 4π। लेकिन यहां से तो 100 निकल रही है सब जगह अलग अलग, 4π निकल रही है, लेकिन हमने चार्ज उसके सामने रखा हुआ है, जैसे कि यहां देखना, ये यहां पर इधर निकल रही है, सब जगह निकल रही बेटा इस तरह से, ये कितने इस मीडियम को कितने पर कांटेक्ट में ले रहा है, वो 4π पर। लेकिन ये Q1 है तो इसने तो 100 निकाली, लेकिन हमारा चार्ज तो यहां रखा हुआ है ना Q2, तो इस चार्ज तक तो एक ही लाइन आ रही है, भले ही वो फोर्स वहां से 4π निकाल रहा है, लेकिन 4π में से हम तक कितनी आ रही, यानी कि हमारे चार्ज पास कितनी आ रही, 1 लाइन ही आ रही है, यानी कि टोटल फोर्स 4π में से खाली हमारे पास एक लाइन आती है, तो उसका रिलेशन कूलम कांस्टेंट से कैसा होता है, उसका रिलेशन भी कूलम कांस्टेंट के साथ इनवर्सली होता है, यानी कि 1/4π। तो अल्टीमेटली मेरे पास सी की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/4π एप्सिलॉन, बेसिकली ये होता है। अब अगर ये वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूं, नाउ बाय इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा, एफ ई इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये इक्वेशन नंबर आया 4। इक्वेशन 4 से हमको थोड़ा सा क्लियर हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच में मीडियम बदलता है तो मीडियम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बदलती है, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी। तो देखें आप कि जैसे परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ती है फोर्स कम हो जाता है, जैसे वाटर वाले केस में परमिटिविटी 80 हो गई तो फोर्स कम हो गया, तो देखो ना अगर एप्सिलॉन नॉट ये अगर वाटर के लिए है तो ये जैसे ही बढ़ेगा तो फोर्स तो कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है ना, ये होता है भाई साहब कंसेप्ट। चलिए आगे और थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। अब हम एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी को थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए। अगर मैं बात करूं केवल एयर और वैक्यूम के लिए है ना, तो हम यहां लिखते हैं एज द यूनिट एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन फॉर एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के लिए हम एप्सिलॉन को थोड़ा डिफाइन करना चाहते हैं, भाई वैक्यूम के लिए कितना हो सकता है। तो पहली चीज तो ये कि यहां से आप यूनिट निकाल लीजिए, तो यूनिट अगर आप एप्सिलॉन की निकालने जाएंगे तो कैसे निकाले जाएंगे, देखना इस इक्वेशन से, बाय इक्वेशन 4। देखो एप्सिलॉन को यहां ले आइए, फोर्स को नीचे ले जाइए, तो ये कितना बनेगा, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/4π इंटू फोर्स मल्टीप्लाइड Q1 Q2 डिवाइड में आर स्क्वायर, है ना। तो अगर ये कांस्टेंट है इतना सा, इसको अगर हम यूनिट छोड़ दें तो बचता है 1/N, क्योंकि फोर्स है, मल्टीप्लाइड कूलम तो कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये होता है एप्सिलॉन का यूनिट, है ना। लेकिन अगर हम वैक्यूम के लिए बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उसके नाम में थोड़ा सा हम फर्क ला देंगे ताकि हम देखते से पहचान जाए कि भाई एयर की बात कर रहा है वैक्यूम की बात कर रहा है। एयर यानी कि वैक्यूम यानी कि जहां पर कुछ ना हो उस मतलब अंडा, तो अंडे के लिए हम जो एक साइन यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट जब भी दिख जाए तो समझ लेना कि मैं परमिटिविटी की बात कर रहा हूं, कहां पर, फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम में। तो ये जो शो हो रहा है ये क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस,
और वैक्यूम, या एयर के लिए भी इसी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो फिर इसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू कितनी होती वो भी देख लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट कि जो वैल्यू होती एयर और वैक्यूम के लिए वो होती 8.854 × 10^-12। और यूनिट तो आपने अभी जस्ट निकाला था, ये रहा क्या है भाई साहब, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनल वैल्यू हमारे पास आया परमिटिविटी का। तो हमने दोनों चीजें यहां पर निकाल के देख ली, एक तो हमने यूनिट भी देख लिया और दूसरा हमने उसका एक वैल्यू जो होता है फिक्स्ड वैल्यू जो कि कांस्टेंट होता है एयर और वैक्यूम के लिए वो भी हमने देख लिया है। तो बच्चों अब थोड़ा सा और देखना बेटा, अगर मैं एयर और वैक्यूम के लिए फोर्स लिखना चाहूं तो देखो कैसे लिखूंगा, फोर्स इन फ्री स्पेस है ना, क्या लिखूंगा देखना। तो यहां पर हो जाएगा एफ नॉट यानी कि फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट आएगा अब यहां पर इनटू Q1 Q2 डिवाइड में आर स्क्वायर, ये होता है फोर्स। अब थोड़ा सा और देखना, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के लिए थोड़ा सा मैं बात करूं तो यहां पर देखेंगे आप 1/4 × pi की वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं 8.854 × 10^-12। और इसका जो यूनिट है वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं, कितना है देखो वो रहा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो फाइनल जो हमारा आंसर 1/4 pi epsilon naught का जो आ रहा था वो आ रहा था 9 × 10^9। और इस यूनिट को आप फ्लिप कर दीजिए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे कूलम स्क्वायर। तो हमारे पास एक कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू आती है, ये वाली वैल्यू आप हमारे जो एक और इक्वेशन होता है उसमें आप पुट कर सकते हैं। एज क्या इक्वेशन था, एफ नॉट इज इक्वल टू 9 × 10^9। इसको आप है ना इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए। तो हम ये 5 इक्वेशन की बात कर रहे हैं इंटू Q1 Q2 डिवाइड में आर स्क्वायर एंड दैट इज न्यूटन। बताइए भाई साहब ये आ गया फोर्स, समझ में आया। तो अभी तक हमने कितनी चीजों को कंप्लीट किया है, हमने परमिटिविटी को पढ़ा, हमने कूलम कॉन्स्टेंट को पढ़ा, हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को और उसके यूनिट को भी पढ़ा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हमने बेसिक सी आज कंप्लीट की है अभी। और अच्छा तो मैं समरी आपको बता देता हूँ, कूलम फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू C Q1 Q2 / r² लेकिन दूसरे वाले केस में मैंने इस फोर्स को थोड़ा सा चेंज करके क्या लिखा, 1/4 pi epsilon × Q1 Q2 / r². तीसरे वाले केस में हमने अगर फ्री स्पेस की बात की तो हम यहाँ पर 1/4 pi epsilon naught लिख सकते हैं Q1 Q2 / r². चौथी वाली बात की कि अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंजेस देखें तो इसको कॉन्स्टेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई साहब, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये लीजिए, ये इतनी सारी चीजें हमने आज कूलम्स लॉ में कंप्लीट की। और याद रखिएगा कि कूलम्स लॉ जो होता है वो केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है ना। यहां लिख सकते हैं कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। देखो ये तो बहुत ही अच्छी चीज बात आ गई भाई साहब हमारे पास, पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होगा। यानी कि पॉइंट, आपके पास चार्ज एकदम पॉइंट के शेप में गोल वाला स्फेरिकल होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस ऐसा लीनियरली आ गया तब कूलम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, लेकिन हमको तो फॉलो कराना है तो हम डिफरेंट मेथड्स का यूज करके उसे फॉलो करवाएंगे। लेकिन इसका बेसिक यानी कि जो इसको बनाया गया है वो केवल और केवल पॉइंट चार्ज को देखकर बनाया गया है, ये चीजें हमको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कूलम्स लॉ के लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा। अब जो हम इसके बाद का जो टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको या हम उसको पढ़ने जा रहे हैं वो कूलम्स लॉ ही है लेकिन वेक्टर फॉर्म में है। क्योंकि कूलम्स लॉ क्या बताता है, दो चार्ज के बीच का फोर्स, और फोर्स जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि आपको वेक्टर यानी कि डायरेक्शंस भी बतानी पड़ेगी यहां पर। तो चलिए देखते हैं, हम डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि हमको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
हमने दो चार्जेस कंसिडर किए हुए हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी कि r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और वो कौन है बच्चों, Q2। इनके बीच की डिस्टेंस हमें पता है कितनी है r, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब थोड़ा सा लॉजिक देखना कि पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर पहला चार्ज ये है दूसरा ये है तो इसको ये इधर धक्का मारेगा तो दूसरा भी तो पहले पे धक्का मारेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो दूसरा चार्ज भी पहले पर फोर्स लगाएगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ डायरेक्शन को बताते हैं कि ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज इसके ये वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो ये इसकी डायरेक्शन ये होगी, है ना, और इस चार्ज पर भी तो ये लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन फोर्स एक दूसरे पर सेम लगा रहे हैं अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो। अब हम इनकी इनके नाम रखते हैं कि भाई ये फोर्स है कौन सा भाई साहब। तो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा वर्ड यूज करूंगा कि ये चार्ज है सेकेंड, इस पे लगा रहा पहले वाला फोर्स यानी पहला चार्ज फोर्स लगा रहा है तो हम इसको लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू या बाय चार्ज वन यानी कि वन, इसलिए ये फोर्स हो जाएगा F21। देखो फिर से मैंने वर्ड क्या यूज करा है, फोर्स ऑन, ये फिर क्या लिखना है, ऑन हो गया यानी कि फोर्स ऑन में आपको लिखना है कि भाई अगर पहले वाले पर लग रहा है तो F1 हो जाएगा, अगर यहां पर दूसरे वाले पर लग रहा है तो फोर्स ऑन टू बाय वन ये लिखिए, है ना। तो बाय जो भी आपको यहां पर लिखना होगा वो आप लिख सकते हैं। चलिए यहां पर बताइए, फोर्स ऑन चार्ज वन ऑन वन ड्यू टू चार्ज टू, ये लीजिए F21 हो गया भाई साहब, यानी कि हमने यहां दोनों चार्जेस को शो कर दिया है नाम के थ्रू लेकिन उनके डायरेक्शन अलग अलग है। तो पहले तो हम इनके इनके जो जो इक्वेशन होते हैं वो निकालेंगे। तो हम यहां पर पहले थोड़ा सा और समझते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं डायरेक्शन की ओर बात करूं, ये वाली लाइन यहां से यहां तक कितनी आर ही है लेकिन सोचना बेटा अगर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है यानी कि ये डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हो गई इसके फोर्स लगाने की, इसलिए तो वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं हम, तो ये चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है इसलिए यहां पर एक वेक्टर आ जाएगा आर नाम का जो कि क्या बताता है, फाइनल इनिशियल यानी कि फाइनल कौन है टू और इनिशियल कौन है वन, और ये रहा वेक्टर फॉर्म, समझ में आया। तो देखो ना पहला चार्ज दूसरे पर कितना फोर्स लगाता है F21, तो उसके फोर्स के जो डायरेक्शन यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स लगाने का वो R21 हो जाएगा। सिमिलरली यहां से अगर मैं इधर की बात करूं कि दूसरा चार्ज पहले पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो इसका जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा R12। बट हम क्या देखते हैं कि ये तीनों बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में तो R तो बराबर है ही, तो R को मैं और कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, हां बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होता है, R21 के बराबर भी होता है और ये R12 के बराबर भी होता है यानी कि ये सब इक्वल है लेकिन बस नाम में फर्क दे रखा है मैंने, ठीक है। अब हम निकालते फोर्स, नाउ फोर्स ऑन चार्ज, देखो अभी मैंने आपको बताया था टू कौन सा चार्ज है, चार्ज टू बाय चार्ज वन, ऐसा आप लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन टू बाय वन, तो ये रहा इसका इक्वेशन। अब एक और चीज आपको यहां समझनी है बेटा, देखो 11 में आपने एक वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता था, ए कैप इज इक्वल टू फुल वेक्टर डिवाइड में मोड ऑफ वेक्टर, ये क्या होता है, ये है मैग्नीट्यूड, है ना, थोड़ा समझ लेना। तो मैग्नीट्यूड, और ये क्या है भाई साहब, ये है फुल वेक्टर, ये क्या है यूनिट वेक्टर, यही नाम होते थे। तो सोचो हमको फुल वेक्टर चाहिए तो यूनिट ये देखना, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड ए कैप। ये तो बहुत शानदार कंसेप्ट है, देखो ये है मैग्नीट्यूड, देखो तो मैग्नीट्यूड के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रखा है, यूनिट वेक्टर का। तो जब जब किसी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ही अगर हो केवल तो वो क्वांटिटी कहलाती स्केलर, जैसे कि 10 किलो राइस,
किलोग्राम 10, वो केवल मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, लेकिन मैं अगर 10 न्यूटन फोर्स बोल दूं तो कहीं ना कहीं उस क्वांटिटी में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई हो गया है। तो देख लीजिए कि अगर मैग्नीट्यूड या स्केलर क्वांटिटी में किसका मल्टीप्लाई हो जाए, इस यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का। तो अगर ऐसा होता है ना, तो सामने वाला जो होता है वो फुल वेक्टर बन जाता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको किसी क्वांटिटी को फुल वेक्टर बनाना है, तो सिंपली क्या करेंगे आप, उसके मैग्नीट्यूड में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर का। तो देख लीजिए, अब आपको यहां क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि हमने कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स को पढ़ा था, कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, इनटू Q1 Q2 अपॉन में R2। बेटा ये केवल हमको क्या देता था, मैग्नीट्यूड। तो अगर ये मैग्नीट्यूड है तो इसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर दूं, यूनिट वेक्टर का। तो जैसे मैं यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करता हूं, इधर फुल वेक्टर बन जाता है, और फुल वेक्टर की पहचान क्या है, उस पर एरो लगा दो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी किसी क्वांटिटी को वेक्टर बनाना हो तो सिंपल उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट वेक्टर का। तो मैंने यहाँ यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया है, और अब मैं देखता हूँ कि देखना मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R2। ये तो मैग्नीट्यूड होता था, लेकिन मैंने यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। तो सोच लीजिए F21 के लिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R21। ये रहा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैप से शो किया जाता है। एंड हमको एक चीज पता है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि R, यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि A यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, फुल वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ A वेक्टर, तो इसकी जगह मैं R ले लेता हूं, R21 ले लेता हूँ, इज इक्वल्स टू यहाँ पर ले लूँगा R21 का वेक्टर डिवाइड में R21 का मोड, यही होगा ना। देखो सेम मैंने उसको वैसा वैसा कॉपी कर दिया है, तो R21 की जगह ये रख दीजिए भाई साहब। तो ये जो इक्वेशन है, देन आप देखेंगे कि F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R2 मल्टीप्लाई, इसकी जगह आप ये रख दीजिए इतना सा, है ना, कितना है R21 कैप डिवाइड में R21, ये रहा। कोई दिक्कत है क्या? अब R2 को थोड़ा सा देखो, R की प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम, ये भी रख सकता हूँ, है ना, ये भी रख सकता हूँ, लेकिन हम अगर बात 21 की कर रहे हैं तो हम ये 21 वाला रखेंगे, यानी कि R की जगह ये रख सकता हूं। तो मैं अगर R2 है तो इस मोड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि R21 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे बच्चों कि R21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, तो टोटल जो पावर हो जाएगी R21 की पावर 3 मल्टीप्लाई R21। दिस इज द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। किस फॉर्म में आ गई ये इक्वेशन, वेक्टर के फॉर्म में हम ला चुके हैं, जबकि पिछले वाले केस में ऐसा नहीं होता था। तो अगर ये इक्वेशन कौन सी आई है, F21 वाली आई है, तो सिमिलरली आपको F12 भी निकालना है बच्चों, है ना। तो उसके लिए मैं यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूं, F21 क्या कैसे निकाली जाएगी, ध्यान देना। सिमिलरली The force on charge 1 due to charge 2, यानी कि पहले चार्ज पर दूसरे के कारण फोर्स, जो कि कितना रहेगा, F12 रहेगा बच्चों। और अगर मैं देखूं तो देखो इतना तो सेम ही आएगा बच्चों, Q1 Q2 डिवाइड में देखो R21 है, तो यहां हो जाएगा R12 की पावर 3 मल्टीप्लाइड R21 है, तो R12, ये लीजिए भाई साहब, ये इक्वेशन भी आ गया। तो दो इक्वेशन जो कि हमने कुछ नाम दे देना है इनके, जो भी पर्टिकुलर नाम दे सकते हो, 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को अगर आप देखेंगे, दोनों में थोड़ा सा चेंज आ रहा है डायरेक्शन का। R12
R21, और इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि R21 का मतलब होता है कि ये फाइनल और ये इनिशियल है। सिमिलरली ये फाइनल और इनिशियल है, यानी कि एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। यानी कि अगर ये प्लस 20 न्यूटन से फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये माइनस 20 न्यूटन से फोर्स अप्लाई करेगा, तो माइनस प्लस का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इधर भी 20 और इधर भी 20 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, F21 जो है उस तरफ है, यानी कि उसको अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करें तो ये वाली कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये बराबर तो है बच्चों, लेकिन कैसा है, देखो F12 ये बराबर तो है लेकिन अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट था वेक्टर के फॉर्म में कूलम्स लॉ को पढ़ना, ठीक है। एक थोड़ा सा और हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी समझ लेते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो आप इसको नोट कर लेना स्क्रीन पॉज करके, और आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये वेक्टर फॉर्म ही है, लेकिन वो थोड़ा सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम उसको बात करते हैं, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम उसे समझते हैं। यहाँ पर हम कूलम का ही एक डिफरेंट फॉर्म है यहाँ पर, कि अगर पोजीशन वेक्टर की बात की जाए तब फोर्स कैसे निकाला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंसीडर किया है, और ये चार्ज है Q1, r डिस्टेंस पर प्लेस किया हुआ है दूसरा चार्ज, ठीक है, Q2। अब इनकी मैंने पोजीशन ओरिजिन से बता देनी है, तो ये पहले चार्ज की जो पोजीशन है दैट इज़ R1, और दूसरे के लिए हो जाएगी R2। इसके लिए आपको थोड़ा सा 11 का जो कंसेप्ट होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो आपको आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हमने जो फोर्स अभी पढ़ा था F21, याद है आपको कितना था, 1/4πε0 मल्टीप्लाइड Q1 Q2 डिवाइड में R21 की पावर 3 मल्टीप्लाइड R21 था। अगर मैं इस प्लेस पर थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर को बता दूं तो हमारा जो कूलम का ये वाला फॉर्मेट है वो पोजीशन वेक्टर की टर्म में आ जाएगा। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, तो चलिए यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, थोड़ा सा लॉजिक देखना है ना। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जब मैं यहाँ से यहाँ चलता हूँ, यहाँ की वैल्यू आप प्लस कर दीजिए, यानी कि R1 प्लस, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो 1 से 2 की तरफ जाना मतलब क्या हो जाएगा, जैसे पिछले वाले केस में 1 से 2 की तरफ ये वाली डायरेक्शन, यानी कि ये हो जाएगा R21, क्लियर। तो R21 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू, तो यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ, तो ये फाइनल और ये इनिशियल, यानी कि इन दोनों का जो एडिशन होता है इसके इक्वल होता है। तो इसके इक्वल यानी किसके इक्वल, R2 के इक्वल। तो मेरे पास R21 कितना आया, R2 - R1, है ना। तो अगर R21 = ये आता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि R12 = कितना आ जाएगा, R1 - R2, क्लियर। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। Therefore, F21 = 1/4πε0 Q1 Q2 R21 की पावर 3 मल्टीप्लाइड, इसको आप क्या लिख सकते हैं, R2 - R1, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लीजिए, मैंने पोजीशन वेक्टर की टर्म में इसको लिख दिया है। सिमिलरली आप देखेंगे F12 की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड में R12 की पावर 3 मल्टीप्लाई R1 - R2, ये लीजिए भाई साहब। अब आप थोड़ा सा डिफरेंट देखना यहाँ पर केस कि R2 - R1, ठीक है, यहाँ पर R1 - R2, यानी कि ये हमें शो करता है कि इसकी डायरेक्शन अगर इस तरफ है, F21 इधर है, तो इस लोकेशन पर इधर कौन होगा, F12, यही तो होता है। कूलम का जो कंसेप्ट है वेक्टर फॉर्म में ये होता है कि F12 जो होगा माइनस होगा F21 के, ये लीजिए। तो ये बच्चों आज हमने स्टडी किया है कूलम्स लॉ के दो तरह के फॉर्मेट, एक तो हमने पढ़ा था उसको
मैग्नीट्यूड की टर्म में, यानी कि केवल हमने वहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं की थी, मैग्नीट्यूड की बात की थी, ठीक है। दूसरा वाला केस जो हमने पढ़ा है वो वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है। वेक्टर में भी दो अलग अलग तरीके से पढ़े हमने, एक यूनिट वेक्टर के फॉर्म में और एक दूसरा पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में। तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, चलिए उस पर बात करते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है और हमने जो परमिटिविटी पढ़ी थी वो क्या है? तो बेटा मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी इन दोनों में सबसे ज़्यादा याद रखने में जो आसानी होती है वो होती है रिलेटिव परमिटिविटी में। यानी कि आपसे मैं अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी पूछूं तो आप बताएंगे 8.854, अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, इंटू 10^-माइनस समथिंग, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा और हर मीडियम की परमिटिविटी आपको याद नहीं रहेगी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि हमने दो चार्जेस को पहले फोर्स में, सॉरी पहले एयर और वैक्यूम में रख के देखा और उसका फोर्स नोट किया। तो हमने एयर और वैक्यूम में नोट किया कि भाई इन दोनों के बीच का फोर्स होता है 100 न्यूटन। अब वो एक हमारा रेफरेंस हो गया, यानी कि अब हम दूसरा मीडियम जब भी लेंगे कोई तो उसको हमेशा पहले वाले मीडियम यानी कि एयर और वैक्यूम से कंपेयर करेंगे कि भाई वहाँ तो 100 न्यूटन लग रहा था, यहाँ कितना कम हुआ। तो जितने टाइम फोर्स लेस होगा, समझ लीजिए उन दोनों मीडियम के लिए जो परमिटिविटी होगी अब वो परमिटिविटी नहीं रहा, क्योंकि दो मीडियम है इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी। तो सोचो कि अगर एयर और वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच में फोर्स 100 न्यूटन है और अगर उनको किसी दूसरे मीडियम यानी कि वाटर में रखकर हमने फोर्स चेक किया तो वो फोर्स आ रहा था 20 न्यूटन। तो आप देखना यहाँ पर कि हमने दो चार्ज, कौन कौन सा चार्ज, Q1 और दूसरा चार्ज कौन था, Q2, इन दोनों को कहाँ रखा, एयर में। तो हमने निकाल लिया एफ इन एयर और वैक्यूम, जो कि कितना फोर्स आया, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r2। इसकी वैल्यू मैंने मान ली कि भाई ये 100 न्यूटन था। अब ध्यान दीजिए ये केस नंबर वन था, है ना। अब मैंने केस नंबर टू लिया और टू में मैंने कोई मीडियम ले लिया लाइक वाटर। तो वाटर में मैंने उन दोनों चार्जेस को उतनी ही डिस्टेंस पर रखा जितने डिस्टेंस पर वो एयर में थे, यानी कि एफ जो होगा अब जो मीडियम में आ गया है, मतलब फोर्स भी मीडियम का हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4π। अब सोचो कि वाटर में आने से क्या बदल जाएगा, परमिटिविटी बदल जाएगी उस मीडियम की। तो इसलिए इसका नाम रहेगा एप्सिलॉन मीडियम, क्योंकि अब वो नई परमिटिविटी हो जाएगी वाटर के लिए, लेकिन चार्ज तो वही है, उनके बीच की डिस्टेंस भी वही है। ये जब मैंने देखा ना बेटा, ये 20 न्यूटन हो गया, ये वाला कंसेप्ट 20 हो गया, जबकि ये वाला कंसेप्ट कितना था, 100 था। तो हमने थोड़ा सा इन दोनों मीडियम को कंपेयर कर लिया कि भाई पिछले वाले में 100 था, इस वाले में 20 है, तो कितने गुना फोर्स कम हुआ, कितने टाइम्स फोर्स लेस हुआ, वही इन दोनों मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी होगा। तो मैंने कैसे निकालना, ध्यान देना, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू कैसे निकाला, मैंने ऐसे निकाला कि 100 था वहाँ पर और नीचे यानी कि दूसरे मीडियम में 20 हो गया, तो इनका जो आंसर आया वो कितना है, कट पीट के 5। तो ये जो 5 आया ना, इन दोनों के लिए रिलेटिव परमिटिविटी होगा। तो कैसे निकाला, मैंने इस वाले फोर्स को यानी कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। तो हम यह बना सकते हैं नाउ बाय इक्वेशन, इनके नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये रहेगी इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोनों को डिवाइड करना है, यानी कि एफ नॉट को डिवाइड कर दीजिए एफ मीडियम के साथ। तो जो आपका आंसर आएगा वो परमिटिविटी तो होगी लेकिन रिलेटिव होगी, इसलिए आर लग जाएगा, इसलिए एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो एफ नॉट यानी कि एयर में कितना था, 100 डिवाइड में 20, तो 100 के लिए वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r2 होल डिवाइडेड में फोर्स इन मीडियम, जो कि ये रहा कितना, 1/4πε0 मल्टीप्लाइड Q1 Q2/r2। ये क्वांटिटीज़ को अगर आप देखें तो ये तो कैंसिल हो गई, 4π से 4π भी कैंसिल, यानी कि एप्सिलॉन आर जो है वो एफ नॉट डिवाइड में एफ एम इज इक्वल्स टू हो जाता है 1/0
वन बाय एप्सिलॉन मीडियम, लेकिन ये फ्लिप हो जाएगी और ये पलट के हमें इस तरह से मिलती एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट। ये लीजिए भाई साहब, ये हमारे पास एक कंसेप्ट आता है। इस कंसेप्ट से हम सीखते हैं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है दो मीडियम के बीच में, यानी कि दो चीज़ों को जब रिलेट किया जाता है ना, तभी एक वर्ड आता है रिलेटिव। तो हम परमिटिविटी दो अलग अलग मीडियम की रिलेट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम आया रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमें नाम यानी कि जो वैल्यू होती है वो याद रखने में आसानी हो जाती है। जैसे कि मैंने वाटर में गया तो 5 times लेस हो गया, सिंपल याद रखा, नहीं तो मुझे 10^ समथिंग समथिंग में याद रखना पड़ता, जो कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी के लिए दो इक्वेशन होते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए। फोर्स की टर्म में, ये किस टर्म में, कि भाई एयर में लगने वाले फोर्स को दूसरे मीडियम में लगने वाले फोर्स से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका रिलेटिव परमिटिविटी होगा। दूसरे वाले केस में कि मीडियम वाली परमिटिविटी याद रखिए अगर आपको याद हो तो, या और उसको डिवाइड कर दीजिए एयर वाली से, तो उन दोनों के बीच की रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी, है ना। आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ा सा देखना है। यहाँ पर हमने देखा अभी कंसेप्ट क्या निकाला, ये कंसेप्ट क्या है, एप्सिलॉन आर बेसिकली होता क्या है, फोर्स इन एयर या वैक्यूम, यही होता है ऊपर। और नीचे क्या होता है कि कोई दूसरा मीडियम, यानी कि फोर्स इन एनी मीडियम, किसी भी एक मीडियम का फोर्स, ये है बेसिक इक्वेशन। तो अब अगर हमारे पास पहला कंपैरिजन अगर हम एयर और वैक्यूम से कर रहे हैं, तो हमने पहला मीडियम तो एयर और वैक्यूम को ही माना, लेकिन दूसरा यानी कि पहले एयर में चेक किया 100 newton, और दूसरा मीडियम भी अगर हमारा एयर ही है, तब क्या होगा, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, देखो तो अगर एयर में हमने चेक करा तो वो 100 newton था, और दूसरा मीडियम, एक ऐसा मीडियम हमको मिल गया कि उसमें भी फोर्स कितना लग रहा है 100 newton, तो ये कैंसिल होके कितना आएगा 1, यानी कि एप्सिलॉन आर कितनी हो जाएगी 1। इसका क्या मीनिंग हुआ, दुनिया में ऐसा कोई मीडियम है जिसमें दो चार्ज के बीच का फोर्स उतना ही आए जितना एयर और वैक्यूम में होता था, यानी कि एयर और वैक्यूम में अगर 100 है तो ये तो सबसे मैक्सिमम फोर्स हो गया, क्योंकि उनमें तो कोई डिस्टरबेंस होता ही नहीं है, यानी कि मैक्सिमम फोर्स हमको एयर और वैक्यूम में ही मिलता है। बाकी दुनिया के जितने भी मीडियम है सब में हमको फोर्स कम ही मिलेगा, यानी कि ऊपर बड़ी वैल्यू आएगी नीचे कम आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाए, ऐसा होगा क्या, ऐसा कोई मीडियम है क्या कि एयर और वैक्यूम में अगर 100 newton लग रहा है तो वाटर में भी 100 लग जाएगा, नहीं, यानी कि ऊपर की वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी और नीचे की वैल्यू हमेशा छोटी आएगी। तो जब बड़ी वैल्यू जब छोटी से कैंसिल होती है, डिवीजन होता है, तो हमेशा आंसर आपका 1 से ग्रेटर आएगा, यानी कि जो एप्सिलॉन आर है ये हमेशा क्या करेगा, बड़ा आएगा किससे, 1 से, या इक्वल टू आ सकता है फॉर एनी मीडियम। ये आपको याद रखना है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 से लेस नहीं हो सकती, या तो 1 आएगी या तो 1 से बड़ी आएगी। अच्छा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज, अगर पहला मीडियम एयर और वैक्यूम था और दूसरा भी एयर और वैक्यूम है तो कैंसिल होके 1 आएगा, यानी कि द परमिटिविटी, द रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी of the free space or vacuum is 1 ही रहेगी, इससे कम नहीं हो सकती। तो आज हमने बहुत बेसिक चीज़ों पर बातें की है, हमने आज कूलम्स लॉ के दो फॉर्मेट पढ़े हैं, उसके बाद हमने परमिटिविटी पर बात की, फिर हमने रिलेटिव परमिटिविटी पर भी बात की। तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, और ये टेबल हमको रिलेटिव परमिटिविटी किसी सब्सटेंस के लिए बताती है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आगे जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कैपेसिटर, उस कैपेसिटर में दो प्लेट के बीच में एक मटेरियल को रखा जाता है, दैट मटेरियल इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो उसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, तो उस फिक्स्ड वैल्यू को सम टाइम, यानी कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो रिलेशन आया था ना, एफ नॉट डिवाइड में एफ मीडियम किसके बराबर था, ये एप्सिलॉन आर का। तो आपको ये बता दूं कि वहां पर जो ये एप्सिलॉन आर है ये के बराबर होगा, यानी कि के क्या है, के है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो याद रखना आपको ये है कि
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही होती है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, जैसे कि एयर, यानी कि एयर में अगर आप चार्जेस को रखोगे तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि जो उसका रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो इतना होगा। तो ये है गैसेस। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, देखो एक जीरो यहाँ से कम हो गया, यानी कि इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है थोड़ी सी चेंज हो गई, बढ़ गई है। अगले वाले केस में और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, बढ़ते बढ़ते देखो केरोसिन यानी कि जो केरोसिन होता है उसमें जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो कितना होगा, 2। इस 2 का क्या मीनिंग हुआ मैं आपको बताता हूँ। अगर 100 न्यूटन फोर्स एयर में लग रहा था तो जैसे ही आप केरोसिन में रखोगे उन चार्जेस को तो वो 2 टाइम कम हो जाएगी, यानी कि वो 100 से सीधा 50 पर आ जाएगा। इसका मीनिंग ये होता है, समझ में आ गया ना। और भी हमारे पास यहाँ पर सब्सटेंस है, जैसे कि एम्बर एक सब्सटेंस होता है, ओके, उसमें अगर आप उन चार्जेस को रखते हो तो जो फोर्स एयर में 100 था वो जैसे ही इस एम्बर में रखोगे वो 2.8 टाइम लेस हो जाएगा, है ना। इसका मीनिंग ये देखो सिंपली हमको बताने में आ जाता है, आपको इसमें पॉइंट में या पावर में कोई वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे इसी तरह ग्लास जो होता है, तो एयर में अगर फोर्स उसका होता है 100, तो जैसे ही ग्लास में उन चार्जेस को रखोगे तो 5 टाइम लेस हो जाएगा वो, है ना। तो 100 से सीधा वो 21-25 के समथिंग आएगा, वो 20 के समथिंग फोर्स हो जाएगा 100 से सीधा। लेकिन वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 80.4 यानी कि 100 न्यूटन फोर्स एयर में लगता है, तो जैसे ही आप वाटर में रखोगे ना तो वो 80 टाइम लेस हो जाएगा, 80 टाइम लेस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि कितना फोर्स कम हो जाएगा। तो आप इसको सिंपल याद रखना है आपको, ठीक है। आज हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक कंप्लीट किए हैं, इन वीडियोज़ को आप अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। आपके लिए मैं और भी वीडियोस बनाते रहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।